दोस्तों इंस्टाग्राम के रील्स वायरल करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है तरीका पता है? अपनी वीडियो में ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाओ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कुछ वीडियो है जिसमें ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाए हुए हैं, जिससे क्या होगा कि इस पे ज़्यादा व्यूज आता है, ज़्यादा लाइक्स आते हैं। तो दोस्तों हम सोचने लगे इससे पहले कि हम ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे लगाएंगे अपने वीडियो पे और जिसमें हमारा साउंड भी आए और ट्रेंडिंग सॉन्ग भी पीछे बैकग्राउंड में बजे। तो दोस्तों हम जैसे ही उस पे यूज वीडियो पे जाते थे ना, तो वहाँ से हमारा साउंड गायब हो जाता था, जो हम उस वीडियो में बोलते थे वहाँ से गायब हो जाता था और ट्रेंडिंग सॉन्ग ही बज रहा था। तो दोस्तों ये हमको बहुत दिक्कत करने लगा। उसके बाद हम क्या किया, यूट्यूब पे सर्च करने लगे कि ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे लगा साउंड के साथ, तो कोई वीडियो ही नहीं वैसा मिला। सब बकवास करने लगे, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा बोलने लगा कि दूसरे का साउंड चोरी कर लो, ये कुछ ऐसे बोलने लगा और कोई नहीं बताया कि उसमें कैसे लगाते हैं। फिर हम इंस्टाग्राम पे पूरे एक दिन अपना खर्च किया और उसमें खोजने लगे कैसे लगाएंगे, इसमें सेटिंग जरूर होगा, फिर फाइंड आउट हो गया। और ये वीडियो में यही जानेंगे कि आपके साउंड के साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग भी कैसे लगाए और उस पर ज़्यादा व्यू, ज़्यादा लाइक्स आए। तो कम्प्लीटली बताने वाला हूँ, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है और चैनल पर नए हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर आ जाना। इंस्टाग्राम पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे रील्स फीड दिखेगा, यहाँ से रील्स फीड दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख जाएगा ट्रेंडिंग सॉन्ग, और उसको और स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको जो लगे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है उसको ही ऐड करना है। और यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग सॉन्ग, मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग में एरो लगा रहा था ऊपर की ओर, इस साउंड को ऐड करना है। अब देखिए हम जैसे इस पे साउंड वाले ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे नीचे यहाँ पे आपको साउंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा लाइब्रेरी, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना और यहाँ से हम यूज़ वीडियो ऑडियो पर जाते हैं। और ऑडियो पे जाने के बाद जैसे हम अपने गैलरी में आ गए और गैलरी में आने के बाद यहाँ पे देखिए हम जैसे कोई वीडियो बनाए हुए हैं, देखिए जैसे हम यही रील्स हम भी बनाए हुए हैं और इस रील्स में जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको साउंड ही सुनने के लिए मिल जाता होगा। और इसको हम साउंड को चला के नहीं सुना सकते क्योंकि बैकग्राउंड में आएगा और हमारा साउंड ही नहीं सुना रहेगा, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसी तरह का हमको प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अब यहाँ पे अभी हम एक बार और आपको साउंड सुना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि बस वहाँ पे बैकग्राउंड में जो साउंड लगा है ट्रेंडिंग वाला वही आ रहा है, हमारा साउंड तो आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा एडिट वीडियो, इस पर देख लीजिएगा। और एडिट वीडियो पर जाने के बाद अब यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आपको नीचे में दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये साउंड बज रहा है, यहाँ पे नीचे आपको साउंड चल रहा है और यहाँ पर ऊपर में हमारा म्यूजिक चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं, कौन पे, जिस पे ये हमारा साउंड है, इस पे हमको क्या करना है क्लिक कर लेना। देखिए इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आएगा नीचे में, यहाँ पे देखिए एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, एडजस्ट वाला और एक दिख रहा होगा रिप्लेस वाला, आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, क्या करना है एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो फ्रेंड्स आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, साउंड जहाँ से आप रखना चाहते हैं उसको रख लीजिएगा, रखने के बाद यहाँ पे डन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहेगा रिप्लेस वाला ऑप्शन, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा। फिर क्या आ जाएगा पता है, यहाँ पे और ट्रेंडिंग सॉन्ग दिखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग दिख रहा होगा, जिस पे एरो लगा है सब ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो यहाँ से कोई ट्रेंडिंग नहीं लेना क्योंकि हम सेलेक्ट कर ले वही ट्रेंडिंग रखना है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कंट्रोल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, बस इस कंट्रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी हम गाना लिए हैं, जो साउंड लिए हैं, ये हमारा फुल है और हमारा साउंड कैमरा वाला जीरो है। तो हमको क्या करना है, सिंपली हम अपने कैमरे वाले को जीरो कर लेते हैं और ये जो बैकग्राउंड में है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका फुल साउंड देंगे तो बेकार हो जाएगा हमारा वीडियो, जो हम बोलेंगे वो अच्छे से नहीं सुनाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि 25 से 30 या 28 पे आप रख सकते हैं, 20 और 30 के बीच में रख सकते हैं, हम जैसे 28 पे रख लिए और इसको हम डन कर लेते हैं। और डन करने के बाद बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ से आप क्या कर लेते हैं इसको आगे, यहाँ से आगे कर लेते हैं इसको। और आगे करने के बाद अब यहाँ पे आता है, आप देखिए अब हमको सुना के आप एक बार सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं और इसको सुना देते हैं आपको, तो देखिए कैसा साउंड आ रहा, बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी बज रहा और हमारा साउंड भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं आगे, और आगे करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आप रील्स वायरल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बारे में कैप्शंस जरूर लिखिएगा दोस्तों। और कैप्शंस लिखने के बाद अब यहाँ पे आता है टैग, आप किसी को टैग भी कर सकते हैं, ये उतना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी है टॉपिक, क्योंकि यही आपके जो व्यूअर्स हैं ना उसके पास पहुँचाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप 3 टॉपिक ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए आपके वीडियो को वायरल करने में ज़्यादा हाथ रहता है यहाँ पे टॉपिक वाला, तो यहाँ से 3 टॉपिक ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारा टेक्निकल है तो टिप्स,
टेक्नोलॉजी और फोन एंड एसेसरीज, ये हम ऐड करके और यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे ऑन करना होता है, क्या एडवांस सेटिंग में जाइएगा और एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना, हाइड वाले को ऑन कर देना, जिससे कि आपका लाइक हाइड हो जाएगा। नहीं करना चाहते तो बंद कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा क्वालिटी, बेस्ट होता है क्वालिटी, यहाँ पे हाई क्वालिटी में आपको अपलोड करना है। बस यहाँ पे ऑन है, किसी किसी का ऑफ रहता है इसीलिए बता दिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये शेयर हो जाएगा और आपके वीडियो पर है ट्रेंडिंग सॉन्ग। किस तरह से लगेगा आपको हम दिखा देते हैं, कुछ हम अपना ही वीडियो, इसमें भी म्यूजिक लगा हुआ है ट्रेंडिंग सॉन्ग। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग दिख रहा होगा, इस तरह से हम लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा होगा, सभी वीडियो पे हम ट्रेंडिंग, देखिए दोस्तों बहुत दिन हो जाता है ना ट्रेंडिंग सॉन्ग का, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग हट भी जाता है, इसीलिए उसमें कोई कोई में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन साउंड सब में लगा हुआ है। उस समय में लगाएंगे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था, उस समय में लगा दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो छोड़ के अगर और कोई वीडियो मिल रहा है जिसमें बता रहा है कैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग लगता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमको बताइएगा कि ये चैनल पर ये वीडियो अपलोड है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।